गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लठवान राइडर्स, सभी को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अभी स्पिल्लो में। स्पिल्लो है ये काजा के करीब है, काजा से तकरीबन 4-5 घंटे पहले का रास्ता है, होगा 200 किलोमीटर के करीब है स्पिल्लो। और हम जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा करने। इससे पहले मेरा एक व्लॉग आया पड़ा है, दो वीडियो हैं हमारी। हम घर से कैसे निकले थे, कहाँ से, किस रूट से आए हैं, शिमला होके आए हैं हम। ओबियसली जाना था जम्मू होके, सभी वहीं जाते हैं अमरनाथ के लिए। बेटा रुक जा 2 मिनट। तो अभी हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे टफेस्ट रोड शिमला। कोई टफ नहीं है, लेकिन जब आगे आएगा काजा, फिर मनाली, फिर उसके बाद किल्लाड़ किश्तवाड़ होते हुए हम आगे निकलेंगे। और अमरनाथ यात्रा का यहाँ से रूट मैंने क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना अलग करना चाहता था मैं, कुछ एडवेंचर करना चाहता था कि यात्रा करनी है लेकिन कुछ अलग तरीके से, एडवेंचर तरीके से। पहले 2 साल मैंने लगातार की है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि कुछ मतलब टफेस्ट रोड से हमें जाना चाहिए। खैर फिलहाल ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट चला हुआ है, फिर चलते हैं। बाइक राइड में ना सबसे मुश्किल काम होता बैग को बांधना, वो हमने बांध लिया। 20 मिनट लगी तीनों को कंप्लीट करने में। अभी देखो सुबह सुबह ना हमने चैन लूप किया है, इधर से ये चैन बिल्कुल लूज हुई पड़ी है, इसको लूप करना ज़रूरी होता है। हर 500 किलोमीटर पे लूप करना चाहिए, वरना चैन ख़राब हो सकती है। बाकी ये कुछ माहौल है यहाँ का, चलो चलते हैं। तो चलते हैं गाइस, ये था हमारा रात का आशियाना रिवर व्यू होम स्टे। सुबह के 10:10 होगी, बहुत लेट चले आज, बहुत क्या बहुत ही लेट चले, 8:30-8:30 निकलना था। चलो कोई नहीं, अब 7 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोसर। काजा को क्रॉस कर लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब में। आप देखो यहाँ पे कितनी धूप निकल रही है। रात को जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ज़बरदस्त ठंड लग रही थी, अभी धूप है। मौसम का मतलब पहाड़ों में ये नहीं कह सकते कि कब बदल जाए, किस टाइम पे कौन सा मौसम है। वो कहाँ रह गया, वो तीसरा बंदा हमारा पीछे रह गया, राकेश आ रहा है। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं, काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन 1 साल के बाद मैंने बाइक उठाई ना, तो पहले दिन तो बड़ी पेन हो रही थी कमर में, पीछे बड़ी पेन हो रही थी, मतलब बाइक चलाई नहीं जा रही थी। लेकिन दूसरे दिन ईजी हो गया, अब तीसरा दिन है तो आज और ईजी हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं, मतलब आदत पहले थी लेकिन अभी आदत छूट गई थी बाइक चलाने की। आज पूरा दिन खतरनाक वाले रोडों से निकलना, खतरनाक ये मतलब इस तरीके से, ये देखो जैसे पहाड़ के नीचे से हमें निकलना है, इस तरीके के बहुत एडवेंचर रोड आने वाले हैं आज के दिन। अभी नेक्स्ट 4-5 दिन तक जो हमारी बाइक चलेगी वो इसी तरीके से चलेगी। अभी तो आप लोगों को रोड दिखाई दे रहा है, कल के बाद ये रोड भी ख़त्म हो जाएगा, पत्थरों में से निकालनी पड़ेगी बाइक, ऐसे ऐसे रास्ते आने वाले हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसी जगह पर भी जाम लग सकता है, क्योंकि गिनी चुनी गाड़ियाँ दिखाई देती है यहाँ पर। अब ये कितने टाइम से खड़ी हैं वो मुझे नहीं पता। अच्छा जाम नहीं है ये, मतलब ये है कि एक गाड़ी एक टाइम में आएगी, आगे से आई या पीछे से आए, एक ही गाड़ी आ पाएगी। ये आ गया गाइस पूह, पूह करके जगह है, POOH, ये जगह का नाम है पूह। छोटा सा गांव है, ऊपर दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, अभी पता नहीं कहाँ गए वो घर, अगर दूर से देखे तो दिख रहे हैं सारे। सीधा जाना होगा ना। ये आ गया जी पुल, पता नहीं किसने नंबर का चेक पोस्ट भी है भाई आगे, तो क्या चेक कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर गाड़ी के कागज चेक कर लिए इन्होंने तो दिक्कत हो जाएगी। लगवा दी साइड में, एंट्री करे तो ठीक है, क्योंकि एक बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, बुलेट का ना इंश्योरेंस नहीं है। यार मैंने इसको साले पागल को पहले ही बोला था, करवा लिया इंश्योरेंस, फिर अभी नहीं पता ये इंश्योरेंस मांग रहे हैं या एंट्री करेंगे, बाकी आज करवा लिए। बाइक की एंट्री करें खाली, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं मांगते, बाकी आज इंश्योरेंस करवा लिए, एंट्री करवा दे अपनी बाइक की। गाड़ी का नंबर, आज कहाँ से चले, स्पिलो से चले, कहाँ जाना है, लोसर जाना है, बस यही डिटेल, मोबाइल नंबर। वैसे यहाँ से अलग एक बार और हमारी चेक पोस्ट आई थी, वहाँ पे भी एंट्री हुई थी, डॉक्यूमेंट अभी तक किसी ने नहीं मांगे, सिर्फ ये लोग हमारी एंट्री करते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, और रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से आए हो मीन्स मतलब आज सुबह जैसे कहाँ से चले, वो चीज़ पूछते हैं, ताकि बीच में को अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, बंदा गुम हो जाए, तो इनके पास रिकॉर्ड रहे कि इस चीज़ को, इस जगह को इन्होंने कवर करके आगे गए हैं ये। भाई साहब ये कौन सा है भाई, है तो कोई जगह ये, इसको बोलते तो क्या है। यहाँ पे ना पानी का झरना सर्दियों में आते हैं जम जाता है,
जगह का मैं नाम भूल गया, लेकिन बड़ी फेमस जगह है ये भी। स्पीति मोंक। अरे बाप रे, ऊपर क्या ये ऊपर देखना, शोर जबरदस्त, हवा ना बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज हवा, मतलब मुझे पता भी नहीं है मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखो भाई खड़ी, वो उधर खड़े हैं, और ये कुछ माहौल है यहाँ का। ऊपर दिखाता हूँ ऊपर की तरफ, ये देखो कहाँ खड़े हैं। यहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा ही रुक गए हम, ज़्यादा लेट हो गए, पर रुकने की जगह ही थी, मज़ा आ गया यहाँ पे रुक के। देखना है नज़ारे, फिर क्यों ना हम यहीं से आए, जम्मू से क्यों जाए हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, जब यहाँ पे नेचर अच्छा है। ये क्या है, कौरिक 69 सुमड़ो 52। अभी आगे भी कोई गाँव आ गया छोटा सा। अरे ऐसे नहीं खोलते, ये भी एक छोटा सा गांव है, मतलब यहाँ गांव ऐसे हैं कि 5-7-10 घरों का एक गांव बन जाता है इस तरीके के गांव हैं। सामने पहाड़ों का व्यू देखो, ये आप लोगों को ये सामने शीशे टाइप का दिखाई दे रहा ना, ये शीशा नहीं है, ये जो मोड है ना ब्लाइंड कर्व, ये इसके लिए लगा रखा, ताकि देखो इधर से कोई बंदा आए तो उसको पता चल जाएगा उधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ये देखो हम भी दिख रहे हैं इसमें हाइट है वो देखो, दोनों हाइट पर कैसे चढ़ रहे हैं छोटा गियर लगा रखा है। ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है फिलहाल, नीचे की बजाय ऊपर ऑक्सीजन की फिलहाल में कमी है। बाइक ऊपर मतलब चढ़ने में ऑक्सीजन तो बाइक को भी चाहिए ना, तो पूरी जान लगानी पड़ रही है बाइक को। ये देखो कैसे मतलब कबूतर की तरह पंख फैला रहा है, उड़ना है क्या। मलिंग नाला आ गया, आगे चलो, इनको शूट करना है, वैसे रोड बन गया होगा, देखते हैं क्या होता है नहीं भाई नहीं, अगर इजी होता तो ये गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती नहीं, इसका मतलब इजी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखते हैं वो आगे जाके क्या होता है। चल भाई चल 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 चल, थार तो 4x4 है भाई, ये तो निकलेगी आराम से, है क्या वैसे यहाँ, वो गई आराम से। अरे कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही खड़े हैं बस, ये तो कुछ नहीं है। एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ, बस थोड़ा सा एक बार रेस्ट सा कर लिया, दो मिनट कर लो, रेस्ट करो यार, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, नेचर को निहारो। भाई हाइट पे हम, ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई मेरा ना, मतलब क्या जैसे कि कीड़ी ही चला ना वो सीन मेरे को, मतलब सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई अभी बाइक पे बैठे हैं, लेकिन जैसे ही मतलब कोई फिजिकली काम करोगे ना सांस लेने में दिक्कत भी होगी। ये देखो गुड्डे का बिस्किट कैसे फूल के, मतलब ऑक्सीजन की क्या चक्कर होता है ये पता नहीं, लेकिन पहाड़ों में कोई भी आइटम ले लो, नमकीन बिस्किट, ये देखो कैसे फूल गया पूरा प्रेशर है, देखिए कितनी मोटा हो गया।
बाइक हमने वहाँ खड़ी कर रखी, आधा घंटा हो गया तकरीबन। ये देखो यहाँ पे ना शादी का माहौल है इनका, मतलब यहाँ पे कुछ है जो पूजा करने जाते हैं यहाँ से। तो ये देखो गुल्लू कहाँ पहुँच गया, इनके साथ नाचने लग गया। मैच हो गया भाई, मैच गुड। ये देखो भैया दूल्हा कौन है? दूल्हा दूल्हा है वो, और दुल्हन ये वाली छोटी। अच्छा ये दुल्हन है, ठीक है, ये जिसने हरा सूट पहना हुआ है ये दुल्हन। कल्चर ऐसा है कि अभी थोड़ा छोटा शादी होता है ना हमारे यहाँ, दो शादी। अच्छा इसको नहीं आती शर्म भी पहले मुझे एक अजीब चीज लगी है, देखो यहाँ पे ना दारू का भोग लगता है, आंटी ना दारू निकाल के हाथ में, देखो ये पी रही है, मतलब होगा कुछ यहाँ पे, दारू को ऐसे हाथ में डाल के भोग लगाते हैं, क्या चीज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ही ज्यादा, कम से कम ज्यादा निकल रहा हमें एक घंटा हमने यहाँ पे खराब कर दिया। ऐसे ही रील बनाने लग गए, फिर ये शादी वाले आ गए, इसमें नाचने लग गए, एक घंटा खराब हो गया। ये देखो काजा पूरा 100 किलोमीटर, सुमड़ो 26 किलोमीटर, अब देख लो 100 किलोमीटर तो काजा है, और उससे आगे हमें जाना लोसर, लोसर का भी वहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता होगा, 4 घंटे का रास्ता है लोसर का वहाँ से, 4 का मान के चलो, 4-4.5, तो कब पहुँचेंगे? ये फिर आ गए यहाँ पे अब रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत लेट हो चुके ऑलरेडी। ये जो गाड़ी में ये लोग कर रहे हैं जो कुछ हरकतें, ये ठीक नहीं है, मतलब शीशे से बाहर आके अगर किसी को भी चोट लगी ना इनकी सारी ट्रिप खराब हो जाएगी, ऐसा करना गलत है। सुमड़ो सुमड़ो आ गया गाइस, सुमड़ो यहाँ फिर चेक पोस्ट है मेरे ख्याल से फिर एंट्री करानी पड़ेगी, मे बी एंट्री होगी। अरे स्पेशल एरिया, ये तो पर्ची कटेगी रेट 100 रुपये, टाइप ऑफ व्हीकल 2-व्हीलर के 100 रुपये, कार के 200 रुपये। ये देखो पर्ची कट रही है यहाँ, चलो ये भी आप लोगों को पता चल गया कि ये चार्जेबल है यहाँ पे, कुछ नगरपालिका वगैरह का कुछ रेट होगा इनका यहाँ पे। ये पर्ची कट गई मेरी बाइक की 100 रुपये, 100 रुपये की है। चलो चलते हैं, यहाँ पे आपकी बाइक की पर्ची कटेगी और यहाँ पे सामने जो लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे एंट्री होगी आपकी कि कहाँ से आए हो, क्या बाइक नंबर है आपका, नाम मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे। और चलते हैं आगे, पिछले साल यहाँ पे एक आर्मी कैफे था, वो रहा कैफेटेरिया, उसका ही बात कर रहा हूँ मैं, इसको आर्मी ऑपरेट करती है, हाँ यही था। और मैंने यहीं पे चाय वाय समोसा और चाय पी थी, इन्होंने 10 रुपये का समोसा कुछ दिया था और जलेबी खाई थी यहाँ अभी देखते हैं क्या मिलेगा हाँ देखो आ रहा है। क्या होगा सर खाने का? सर समोसा जलेबी चाहिए। समोसा जलेबी चाय, कैसे दिया? 15 रुपये का एक समोसा, 15 एक समोसा, 15 का जलेबी, जलेबी भी 15 की, और चाय, चाय भी सेम है, तो 4-4 दे दो तीनों चीज अलग अलग। ले जी चलते अब कैफेटेरिया से, दो दो समोसे खा लिए, एक एक जलेबी और एक एक चाय, फुल हो गया, अब खाने वाने की जरूरत नहीं है हमें लंच की, अब सीधा रात को ही मिलेगा आप, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए, दो समोसे से हमारा वैसे पेट भर गया। काजा कहाँ भाग रहे हो यार, इसीलिए बोलता मेरे पीछे रहो। वर्षा साली का गीयू नाला कैसा नाला है, वर्षा साली का गीयू नाला, वेलकम स्वागतम, गीयू विलेज है, गीयू GUE, GUE विलेज। ये रास्ता दिख रहा है नीचे, इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है,
थोड़ी सी भी गलती बहुत ध्यान से ना भगानी है बाइक यहाँ पे, बड़े कंट्रोल से बाइक को चलाना, बड़े ध्यान से। गांव आ गया हुरलिंग, हुरलिंग है कुछ हो रही है, हुरलिंग है, हुरलिंग विलेज बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में है ये गांव हुरलिंग। क्या काम करते हैं यहाँ के लोग, मेरे ख्याल से टूरिस्ट पे डिपेंड है सभी, पूरा का पूरा गांव, क्योंकि काम तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मोस्टली टूरिस्ट पे ही डिपेंड है। टूरिस्ट आएंगे तो इनका काम चलेगा, अब टूरिस्ट अलग अलग काम है ना। भैया काजा कितना रह गया? और लोसर? लोसर भी बहुत दूर। लोसर दूर है, कितने घंटे का रास्ता होगा? 5 घंटे? काजा से 3-4 घंटे का रास्ता। काजा से 3-4 घंटे का, तो काजा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में काजा आ जाएगा ना? 1.5 घंटे में। ये कौन सा गांव है? सुंदरा। वेलकम टू ताबो, ताबो में आ गए भाई। लगा कुछ छोटा सा शहर टाइप का है, कुछ घर। एक चीज यहाँ की बड़ी सुंदर है कि कोई भी सिटी या कोई भी छोटा सा गांव आ जाए, पूरा मतलब पहाड़ों के बीचों बीच मिलेगा। किब्बर 66, काजा 48, लोसर 103 किलोमीटर है अभी तो। भाया भाया वो भाया भाया मेरे, 1, 2, 3 झरने आपके घुटने क्यों खराब हो रहे हैं? अच्छा अभी तू समझ पाया कि मेरे घुटनों में दिक्कत क्यों है इतनी राइडिंग करने की वजह से? जो उबड़ खाबड़ रास्ते है ना, मेरे घुटनों में झटके आ रहे हैं। शायद हो सकता है ये भी एक रीजन हो, क्योंकि मेरे एक घुटने में ज्यादा दर्द होता है, मेरे इसमें ज्यादा हो सकता है। तो बाकी कितना रह गया काजा? 18 किलोमीटर रह गया, 19 था ना पीछे। अरे गिर गया तो, हवा तेज है। तो देवी और सजनों वेलकम टू काजा। ये सामने काजा दिखाई दे रहा है, ये अंदर बहुत जाके बहुत बड़ा है, अभी शायद शुरू भी नहीं हुआ। काजा में आपका स्वागत है। एक चीज बताऊं, हमारे ना तीनों की बाइक रिजर्व में जा चुकी थी, क्योंकि बीच में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अच्छा अब यहाँ से आगे भी नहीं है पेट्रोल पंप, मैंने कहाँ गया, ऊपर था नीचे था, ऊपर जाना है या नीचे? तो मैं कह रहा था कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, पेट्रोल तीनों की बाइक रिजर्व में है, एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ काजा में, ये यहाँ से तीनों को अब फुल करानी होगी। लाइन लगती है, देखो पीछे गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। मेरे को लग रहा है लोसर नहीं पहुँच पाएंगे, 5:15 का टाइम हो गया, पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तकरीबन 20-25 मिनट से, लाइट नहीं है। अब बिना लाइट के ये लोग पेट्रोल डाल नहीं रहे, वो देखो पूरी लंबी लाइन लगी पड़ी है। अब जब लाइट आएगी तब ये पेट्रोल डालेंगे, अब क्या पता कब आएगी। 6 बज गए गुलू, क्या बोलती कंपनी, चले लो सर। टाइम कितना हो गया? 6:45। टाइम देख, 1 घंटा हो गया ना अपना यहाँ खराब। चलो फिर भाई, हेलो चलो खींचो। अरे लो सर जाकर रुकेंगे सीधे यहाँ इस पुल पे ना, एक टाइम में एक ही गाड़ी अलाउ है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, मैं पहले ही डरपोक हूँ। ये देखो अब लोसर तक है ना, ऐसे ही रोड पे जाना हमें, टूटे फूटे नहीं यार, लोसर तक तो नहीं, पिछले साल तो बढ़िया रोड था, अब पता नहीं क्यों बना दिया ऐसा। साला पूरा रोड ही गड्ढों से भरा पड़ा, पूरा रोड मोटे मोटे पत्थरों से भरा पड़ा है, ज्यादा भगाए नहीं पा रहे बाइक को, और ये बता रहे लोसर तक ऐसे ही है। फिर हमने क्या बोलते हैं उसको, की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज को ना, वो दूसरा रूट था, ये छोटा पड़ता था। अब पेट्रोल पंप पे हमें इतना लेट हो गए, अगर हम फिर वहाँ जाते तो रात को 10-11 बजे तक पहुँचते। ये देखो अब रास्ता कहाँ से है, ये साला एक नीचे गया एक ऊपर, बताया गाड़ी वालों ने, थैंक यू। आगे तो कुछ है ही नहीं है, रास्ता किथे, इथे है भाई इथे। अच्छा हमें उधर जाना है, पहाड़ के अंदर घुसना उधर, ठीक है। रुकी रुकी बुलेट रुकी,
बुलेट फंस गई, फंस बुलेट। अरे रे रे रे, मैं भी गया। ये फंस गई बुलेट। हाइट ज्यादा है, उसको उतारना ही पड़ा। ये इनका कोई फेस्टिवल है, पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं हूँ, पूछता हूँ। भैया क्या क्या है ये? शादी। अच्छा, शादी हो रही है, ये शादी में ये डांस हो रहा है। अच्छा अच्छा, शादी किसकी है? क्या लड़की ले गया था, दुल्हन ले गया, वहाँ मॉडल ले गया। हाँ, शादी किसकी है? शादी शादी यहाँ लोकल लोगों। अच्छा अच्छा, हम पहुंच गए कयाटो। कयाटो आ गया। लोसर कितना रहेगा भैया? लोसर कितना है? लोसर लोसर होगा 19। साढ़े सात का टाइम हो गया, उंगलियां सुन्न होगी ठंड के कारण, मतलब उंगली काम करना बंद कर गई, बिल्कुल सुन्न पड़ी है। बाइक रोकने का भी मन कर रहा है, फिर सोचता हूँ कि चलता ही रहे यार, थोड़ा सा रह गया, आधे घंटे का रास्ता रह गया, चलता रहे, क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक जैकेट पहन लो, ऊपर से बहुत ठंड लग रही है, ये दिख रही है ऊपर बर्फ ही बर्फ है। आठ बज गए रात के, लोसर आ गया। लोसर लोसर पहुंच गए फाइनली। अब ढूंढते हैं होटल, मैं ट्राई करता हूं अगर मुझे मेरा पिछले वाला होटल मिल जाए तो। कौन सा था, कौन सा था? यही कहीं था यार, शायद यही था, ये था सैमसंग कैफे। पूछता हूं जाके, रूम होगा जी? चार रूम है, मैं पूछती हूं। अच्छा, 2500 रुपए में यहाँ पे रूम मिला, जहाँ आपने अभी ये देखा था ना बाइक लेके हम गए थे, वहां पे तो मिला नहीं, उससे नीचे आके गांव में, मतलब है वहीं पे, तो नीचे आके तकरीबन 200 मीटर नीचे आके हमें रूम मिला 2500 रुपए में दिया। और कोई इतनी खास फैसिलिटी है नहीं, खाना भी रोड पे जाके खाना पड़ेगा, घर खाना हम पैक करा के ला रहे, बाकी पूरे थक चुके हैं। देखो अब मैं डाटा एंट्री नहीं, लैपटॉप खोला है मैंने, डाटा वाटा ट्रांसफर करूंगा यार, एडिट पता नहीं होगी कि नहीं, बहुत थक गया आज का। आप लोगों ने देखा होगा टोटली ऑफ रोडिंग था, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करता। कल मिलते हैं, इससे भी डेंजर, खतरनाक एडवेंचर रोड पे, लोसर टू मनाली। तो वीडियो को जरूर शेयर करना। गुड नाइट।